जी हाँ नमस्कार दोस्तों, बेहद ही बड़ी खबर के दौरान राजस्थान के जालौर जिले में हेड कांस्टेबल से मारपीट करने का बड़ा ही मामला देखने को मिल रहा है। दरअसल जानकारी के अनुसार शराब के ठेके को रात 8 बजे बाद बंद करवाने के लिए गए हेड कांस्टेबल के साथ नौसरा थाना क्षेत्र के भवरानी गांव में मारपीट वाली घटना का मामला देखने को मिला है। दरअसल जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात को करीब 9 बजे भवरानी पुलिस चौकी को सूचना मिली कि गांव में ठेके पर 8 बजे बाद भी शराब बेची जा रही है। चौकी से हेड कांस्टेबल रूप सिंह और कांस्टेबल बाबूलाल दोनों मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सेल्समैन को शराब बेचने से मना किया तो लाठी वाली घटना के साथ ही मारपीट वाली घटना को अंजाम दिया गया है। इस दौरान हेड कांस्टेबल घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना की सूचना के बाद नौसरा पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी सेल्समैन बाड़मेर के सिवाना थाना क्षेत्र के भवना नाम निवासी नकल सिंह 45 वर्ष पुत्र कान सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी पीछे वाले गेट से शराब बेच रहा था। बता दें कि सीएम अशोक गहलोत ने रात 8 बजे के बाद शराब बिक्री पर सख्ती निर्देश दिए हैं। सो दोस्तों बड़ी खबर थी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।